आप देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जी। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मदन दिलावर के खड़े होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। विपक्ष लगातार मदन दिलावर से अपने बयान को लेकर माफी मांगने की बात कह रहा है, जबकि मदन दिलावर का कहना है कि उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया और कांग्रेस के कहने पर माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। आज भी प्रश्नकाल के दौरान अहोर विधानसभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जैसे ही मदन दिलावर जवाब देने के लिए खड़े हुए, विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया। पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में एक बार फिर से करोईलाल मीना की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए। गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के बस में उनके मंत्री और विधायक ही नहीं है, ऐसे में वो प्रदेश को कैसे चलाएंगे। भाजपा नेता यासीन खान की हत्या मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। भाजपा नेता की हत्या करने वाले आरोपियों ने उनकी गाड़ी में GPS लगा रखी, जिससे आरोपियों को भाजपा नेता के बारे में सभी जानकारी मिल रही थी। पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए इस बात की जानकारी दी। बता दें, कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर थाने क्षेत्र के विजयपुर में भाजपा नेता यासीन खान की 11 जुलाई को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ में सिर तन से जुदा के नारे लगाने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने दरगाह के खादिम सहित 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। पूरे प्रकरण को लेकर 2 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। महिला आरक्षण के विरोध में मंगलवार को युवाओं ने जोधपुर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार संघ मनोज मीणा की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। उसके बाद युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले बाड़मेर, दूसरा, अलवर, कोटा, टोंक में भी युवाओं के द्वारा प्रदर्शन और सरकार का विरोध किया जा चुका है। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। सिसोदिया ने ED और CBI दोनों मामलों में जमानत याचिका दायर की हुई है। वही सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ED और CBI को नोटिस जारी कर दिया। अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने डोडा में जवानों की शहादत पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे घर में घुसकर मारेंगे, फिर क्या हुआ? ये सरकार की विफलता है, वो आतंकवाद को नियंत्रित करने में असमर्थ है। डोडा में जो कुछ भी हुआ ये बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया था। लगातार हाजिरी को लेकर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का मामला बढ़ता जा रहा था। अब इस मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों के अनुसार डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में दहशत का आलम है। दानापुर में कई हत्या हो चुकी है और पटना में भी दिन दहाड़े हत्या हो रही है। बिहार में समय आतंक का माहौल है। सुबह मुकेश सहनी से बात हुई। यह देखकर दुख होता है कि लोगों के पिता, बेटे और बहन सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के एक जंगली क्षेत्र में सोमवार रात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक सैन्य अधिकारी समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने रात को करीब 7:45 बजे देसा वन क्षेत्र की धरी गोटे उर्बागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप सब फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।